विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ विषय हिंदी, हिंदी नी अंदर आपणे पहला वीडियो नी अंदर अभ्यास पाठ प्रश्न नंबर एक सुधी देख्युं हतुं। हवे प्रश्न नंबर बे छे, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रमेश ने पढ़ाई में होशियार लड़का था, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा था, तो आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की, तो कमर कस के जब वह परीक्षा देने गया तो ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी नजदीक आता, तो ईद का चांद महेश आस्तीन का सांप निकला, तो आस्तीन का सांप। वह अध्यापक की नज़र चुरा के, नज़र चुराना रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था, नकल करना। उस वक्त अध्यापक ने देखा कि वह आग बबूले ही रह गए, आग बबूला। तो ये जो मैंने बोली, आंखों का तारा, कमर कसके, ईद का चांद, आगे है सांप, आस्तीन का सांप निकल जाना, नज़र चुराना और नकल करना और आग बबूला, तो ये जो है वो है मुहावरे के अर्थ। अब मैं पढ़ूंगी और उनके वाक्य में प्रयोग भी। आंखों का तारा बहुत प्यारा, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना, मैंने भी प्रतियोगिता जीतने कमर कस ली। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना, आजकल तुम ईद का चांद हो। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र मनोज, मेरा पूरा विश्वास किया फिर वो आस्तीन का सांप निकला। नज़र चुराना, किसी पर ध्यान न देना, अपराधी ने पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गए। आग बबूला हो जाना, बहुत क्रोधित हो जाना, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूले हो गए। अब प्रश्न नंबर तीन है, रेखांकित शब्दों लिंग बदलकर वाक्य फिर से। कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो दादाजी की जगह आएगी दादी जी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। आगे, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो आगे उसका उत्तर आएगा एक औरत ने मुझसे कहा, आदमी औरत। लेखक कहानी लिख रहा था, लेखिका कहानी लिख रही थी, लेखक लेखिका। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, मालकिन मालिक। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी, मोर मोरनी। जंगल में शेर दहाड़ रहा था, शेर शेरनी, जंगल में शेरनी दहाड़ रही थी। सेठ दुकान में बैठे थे, सेठानी दुकान में बैठी थी, सेठ सेठानी। अध्यापक पढ़ रहे थे, अध्यापिका पढ़ रही थी, अध्यापक अध्यापिका। पंडित रामायण सुनाने लगा, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी, पंडित पंडिताइन। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो ये जो है उस प्रकार निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में लिंग बदलने पर वाक्य का प्रयोग बदल जाता है। प्रश्न नंबर चार, उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कि मेरी माँ घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में तीन कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी। तो पहले बाग, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। नदी, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नाव चलती है, गंगा पवित्र नदी है। दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। फिर पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, मैं केवड़ा पसंद करती है, सब अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुन में मगन थे। अगल है प्रश्न नंबर पाँच, कहावतों के अर्थ दिए गए कक्षा में उदाहरणों देखकर चर्चा कीजिए। कि अकल बढ़िया भैंस, तो शरीर बड़ा होने पर अपेक्षा अकल की बड़ी होती है। तो हमारी अकल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी होता है, खोपड़ी में बहुत छोटी। एक विद्यार्थी गुरुजी, कद में छोटे होने बड़ा नहीं हो जाते, रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है, इस तरह। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो गोपाल, क्या इस कहावत के तुम अनुभव हुआ है? हाँ गुरुजी, एक बार मैं दादाजी बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती करा कर पिताजी घर लौट रहे, देखा बाथरूम में से पैर फिसल जाने पर दादी के हाथ से और सिर में गिरी चोट आई, तब उनके मुँह से ये निकला था।
आए दिन थे हरिभजन ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? क्यों नहीं गुरुजी, चाचा जी फिल्म अभिनेता बनने के लिए लखनऊ मुंबई आए, बहुत कोशिश की पर फिल्म का मौका नहीं मिला, आखिर में उन्हें दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने मुँह से ये कहावत सुनी थी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डिंग मारते वह काम नहीं कर सकते। शिक्षक, सलील तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी किल्लत है और नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के लोग कहा कि यदि चुनाव चुनकर आए तो कुछ दिनों में ही लोग नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव यह 2 साल हो गए, उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। आप इसे कह सकते हो, जैसी करनी वैसी बननी, जो जैसा करता है उसके अनुसार ही उसको फल भुगतना पड़ता है। सूरज, इस कहावत को तुमने सच माना है? गुरुजी ने, स्कूल में आ रहे थे एक युवक एक महिला गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था, महिला चिल्लाने पर वो पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, पुलिस हवाले कर दिया। इससे हमें यह साबित, जैसी करनी वैसी बननी। तो इस तरह आप ये पूरा इकाई तुम ध्यान से कर सकते हो और ये पूरा हिंदी की नोट में लिखना है। अस्तित्व